हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथ यानी गणित से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो रेडी हो जाइए समझ कर सीखने के लिए। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को समझेंगे। संख्याओं को हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर रीड किया जाता है, जैसा कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट में देख ही रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहले 1 दिया गया है, उसके बाद 10 है, देन 100, आफ्टर देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। संख्याओं को उनके सही क्रम में पढ़ने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ना आना चाहिए, समझ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन वर्ड्स, मतलब हमें इन संख्याओं को वर्ड्स में लिखना है। और वर्ड्स में हम किसी भी संख्या को तब लिख सकते हैं जब हमें उनका मान पता हो, उनका प्लेस पता हो। और प्लेस जानने के लिए क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट को अपने आप समझना होगा, पढ़ना सीखना होगा, तो ही हम इन संख्याओं को वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, संख्या को हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर रीड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन टू से शुरू करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 और 1,000,000। अब हम इस संख्या को वर्ड में कैसे लिखें? तो इस संख्या को हम वर्ड्स में लिखेंगे 56,05,000। इसी तरह हम इन संख्याओं को भी प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से रीड करेंगे और इन्हें इनके सही क्रम में लिखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर विच इज़, हमें वो नंबर लिखना है जो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 less than 10 lakh। अब हमें 10 lakh में से 1 को लेस करना है। 10 lakh से 1 को माइनस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई 10 lakh में कितनी ज़ीरो होती है। तो बताइए अगर किसी को पता हो तो 10 lakh में कितनी ज़ीरो होती है। 10 lakh में होती है 6 0, ठीक है। कितनी ज़ीरो होती है 10 lakh में, 6 0 होती है। अब हमें इसमें से कितना माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है 1। अब 1 माइनस करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है? जब हम 10 lakh से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 6×9। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का ही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 1 more than 1 lakh, हमें 1 lakh में कितना ऐड करना है, 1 को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 lakh में कितनी ज़ीरो होंगी, अगर किसी को पता हो तो बताइए ज़रा। 5 0 होंगी, ठीक है। अब हमें इसमें कितना ऐड करना है, मोर लिखा हुआ है ना, यहाँ लेस लिखा हुआ था। तो 1 को ऐड किया तो हमारे पास में आंसर आया 1 lakh 1, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 6×9 और 1 lakh 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, राइट द नंबर ऑफ 1000 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कि वो नंबर लिखना है जो 1000 के प्लेस पर है हर संख्या में से। तो
इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। ये आपको पहले ही बताया गया है, संख्या को हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर रीड करना है, ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या को पढ़ना, नंबर्स को पढ़ना, 1, 10, 100, 1000। अब हम इसको और इजी वे में कैसे कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इट मींस कि 4 नंबर पर जो भी डिजिट होगी वो 1000 वाली डिजिट होगी, ठीक है। और हमें इसमें लिखना भी वही है कि हमें वो संख्या लिखनी है, जो वो नंबर लिखना है जो 1000 के प्लेस पर है, ठीक है। यहाँ पर 5 है हमारा आंसर, यहाँ पर 4 है हमारा आंसर, और यहाँ पर 7। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा नेक्स्ट में, लास्ट क्वेश्चन में, वो होगा हमारा 4। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।